वेलकम टू अरुणाचल आई. राइट नाउ वी आर हियर एट द आर्टिफिशियल लेक ऑफ लेकी नाहरलगुन वेयर पीपल हैव कम फॉर द इमर्जेंस ऑफ देयर गॉड एंड गॉडेस एट टेम्पररी आर्टिफिशियल लेक एंड इट इज इनिशिएटिव बाय द आईएमसी डिपार्टमेंट. सो लेट अस नो मोर अबाउट इट. मूर्ति विसर्जन की दिन है तो होल कैपिटल की एक ही जगह को डेजिग्नेटेड किया गया है. ये आर्टिफिशियल लेक है, लेकी में पड़ता है. ये कंकर नाला और प्राचीन की कॉन्फ्रेंस है जहाँ पर आइडल इमर्जेशन हो रहा है. तो अभी तक इस किनार पर हम लोग एनडीआरएफ टीम लगा के रखा हुआ है इनकेस कुछ एक्सीडेंट ना हो. और ये लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी फुल्ली रेगुलेटिंग हो रहा है. और हमारा ये ईएससी साहब भी आया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और से ईएससी साहब आया हुआ है और सभी आईएमसी का भी स्टाफ आया हुआ है. सभी पीसफुल्ली मेंटेन हो रहा है यहाँ में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं अभी तक. नमस्कार सभी दर्शकों को और आईएमसी की तरफ से आप सभी को दुर्गा पूजा की शुभकामनाएँ. मैं दातुम गादे असिस्टेंट कमिश्नर आईएमसी. तो आज यहाँ जितने भी देख रहे हैं ये सब आईएमसी ने अरेंज किया है आईएमसी के ओर से, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जितने भी ये पूजा होता है तो नदी में इमर्जन करता है जहाँ आपका विसर्जन करता है. तो उस चीज़ को हम लोग ने कंट्रोल करने के लिए रिवर पोल्यूशन ये सब का हमें एनजीटी से भी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से भी ऑर्डर्स आया, सुप्रीम कोर्ट के ओर से भी ऑर्डर्स आया, हाई कोर्ट के साइड से भी ऑर्डर आया है. तो ऑनरेबल कोर्ट्स का डायरेक्शन के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया है जहाँ से सभी जितने भी पूजा होता है, जैसे कि आपका विश्वकर्मा हो गया या दुर्गा पूजा हो अभी जो हो रहा है, तो उसका विसर्जन के लिए, मूर्तियों का विसर्जन के लिए हमने आईएमसी की ओर से यहाँ से पूरा अरेंजमेंट किया है. और इस अरेंजमेंट में हमने एक पीछे आप देख सकता है कि एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है. तो ईटानगर नाहरलगुन निजुली यहाँ जितने भी पूजा पेंडल्स हैं हमने सभी को रिक्वेस्ट किया है. सभी को दो दिन से हमारे आईएमसी टीम जो घूम घूम के सभी को बताया है कि यहाँ आके आपको इमर्जन करना है. तो ये सब उसी के लिए है कि हम लोग का यहाँ जैसा सपोज़ कहीं भी किसी से भी पोल्यूशन होने का अगर थोड़ा सा चांसेस है, उसको रुकाने के लिए हमने हमारे ओर से और आईएमसी के ओर से ये डायरेक्शन दिया था कि हमारे टीम को कि एक ऐसा एक पॉन्ड बनाए जहाँ सभी इमर्शन कर सकें. तो ये इमर्शन करने के बाद में यहाँ हम लोग का आईएमसी का ओर से यहाँ नेक्स्ट डे या कल यहाँ पूरा जितना भी हमारा आईएमसी के इम्प्लॉइज़ है या जो भी स्टाफ्स है जो यहाँ एंगेज होंगे, वो यहाँ का जितना भी मूर्ति है यहाँ जो भी उन्होंने विसर्जन किया उनको निकाल के फिर से ट्रीटमेंट कराएगा. तो आज का इस विसर्जन का समय में हम लोगों ने मेडिकल टीम भी रेडी किया है, क्योंकि कभी कभी यहाँ फुर्ती में कोई कोई नदी में भी कहीं चला जाता है, तो उसको चेक करने के लिए कहीं किसी को चोट ना हो, इसलिए एनडीआरएफ को भी हमने रिक्वेस्ट किया. तो उन का टीम भी यहाँ खड़ा है. आज का जितना भी अरेंजमेंट हुआ है और जितना भी हम लोग को गाइडेंस मिला है इस अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑनरेबल मेयर श्री तामे पसंग सर जी, तो उनका गाइडेंस में आईएमसी बहुत आगे और निकल रहा है. तो इसी के साथ साथ मैं सभी को जहाँ जितने भी डिपार्टमेंट्स आए मैं उन सभी को थैंक्स देना चाहता हूँ कि हम लोगों ने कल जितने भी पैंडल्स घुमाए कल और परसों देखा है तो मोर देन 20 है, 20 पैंडल्स हैं ये ईटानगर नाहरलगुन निजुली मिला के. तो उसका इमर्शन अरेंजमेंट के लिए हम लोगों ने आईएमसी का डायरेक्शन का हमारा कमिश्नर और ऑनरेबल मेयर का डायरेक्शन से हम लोग ने यहाँ में आपका एक आर्टिफिशियल पॉन्ड बनाया है जहाँ इमर्शन के लिए. तो उसमें जितने भी मदद आया है तो मैं सभी डिपार्टमेंट से मैं थैंक्स गुजारिश करना चाहता हूँ. जैसे कि हमारा डीसी सर है तो मैं उन्हीं के अंदर काम करता हूँ एज ए ईएससी, और फिर मैं आईएमसी में भी एज असिस्टेंट कमिश्नर काम कर रहा हूँ.
तो मैं डीसी सर को भी थैंक्स देना चाहता हूँ, एसपी सर को भी थैंक्स देना चाहता हूँ कि उनके पुलिस टीम यहाँ मौजूद है, ट्रैफिक टीम खड़ा है। साथ साथ में मैं हमारे डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर हैं उनको भी थैंक्स देना चाहता हूँ कि आज उनका मेडिकल टीम भी आया है। साथ साथ में मैं डिजास्टर मैनेजमेंट की ओर से एनडीआरएफ टीम जो आया है यहाँ आज, जितने भी जो भी प्रिकॉशन लेना है उसके लिए हमने डिपार्टमेंट जितने भी तैयार हो, मैं उन्हीं सभी को थैंक्स देना चाहता हूँ। साथ साथ में डिपार्टमेंट के साथ साथ मैं मीडिया को भी थैंक्स देना, जो अरुणाचल आइज है जो आज हम लोग का प्रोग्राम को कवर किया है, उसको भी मैं मैडम जो अभी बाइट्स ले रहे हैं उन्हीं को भी मैं बहुत बहुत थैंक्स देना चाहता हूँ कि ऐसे जितना भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स है आप लोग जरूर कवर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।